लगता ना अपने बीच हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ खामियां होती है, तो उन खामियों को पकड़ के नहीं रखना है, हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं उन्हें साथ में लेकर हमें चलना है, कमियां नहीं ढूंढनी है। लोग अक्सर दूसरों में कमियां ढूंढने का काम करते हैं, उनकी लघुता का छूने का काम करते हैं, उनको दिल उनके दिल को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो कभी कभी ऐसा चाहते हैं कि तुम मेरी लघुता को न छुओ, तुम ही महान बने रहो। जिसे जो बनना है वो बनो, जिसे जो करना है वो करो। कितने भी महान क्यों नहीं बन जाते उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ जाऊंगा नहीं। इन लोगों की वजह से जो मेरी लघुता को छूते हैं उनकी वजह से मेरे हृदय को वेदना होती है, और उस वेदना की वजह से मैं परेशान होता हूं। तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी इस प्रकार की वेदना जिन जिन छात्रों को होती होगी, जिनको भी होती है जीवन में, तो उनसे उन्हें लड़ना है। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तुम समझ लो मेरे हृदय को ये सब कुछ करते समय कितनी भी यातनाएं क्यों ना हो, दुनिया अक्सर अच्छे लोगों को तकलीफ देने की कोशिश करती है। हमने इतिहास में जाकर देखा है, महात्मा फुले जी, माँ सावित्रीबाई, इनको लोगों ने, समाज ने कितनी तकलीफ दी, उनके हृदय को कितनी तकलीफ दी। चाहे मुझे अभिशाप दो, कितने शाप दिए, तकलीफें दी, भला बुरा कहा, फिर भी वो लोग जो है अपने कर्तव्य से किंचित भी हटे नहीं, वो कर्तव्य के पथ पर चलते रहे। इसलिए कभी कहते हैं कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और यही प्रेरणा वरदान मांगूंगा नहीं इस कविता से हमें मिलती है कि हर पल हमारा लक्ष्य पाने के लिए हमें लड़ता रहना चाहिए, भयभीत नहीं होना है, संघर्ष करना है, कर्तव्य से मुकरना नहीं है और जीत हासिल करनी है। यही कविता का भावार्थ हमें यह देखने को मिलता है। नमस्ते।